हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश मशीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमने देखा कि जुलाई की एक्सपायरी आज खत्म हो गई थर्सडे के सेशन पे, और हमने देखा कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी। हम देख रहे थे ऊपर की तरफ जाके मार्केट में सेलिंग आ रही थी, और नीचे की तरफ से हम देख रहे थे बाइंग आ रही थी। सो गाइस, अब हमारे लिए ना एक रेंज बन गई है 11,400 से 11,200। ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें मार्केट अभी शायद कंसोलिडेट करे थोड़े टाइम, और उसके बाद जहाँ पर ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है 400 के ऊपर, तो हम देखेंगे 700 800 तक जा सके, या अगर 250 के नीचे या 200 के नीचे अगर ये क्लोजिंग बेसिस में बंद होता है, सो हमने आपको जो लेवल्स बताए हुए हैं उस तरीके से जाएंगे। सो गाइस, निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं आपको चार्ट समझा चुका हूँ मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में, आप बिल्कुल अभी तक उसी के हिसाब से निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है। हम देखेंगे अगर उसके ऊपर पर्टिकुलर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, जो मैंने आपको लेवल्स दे रखे थे, तो हम अपनी नई वीडियो बनाएंगे। अभी हम आपसे के साथ सिर्फ स्टॉक्स में एनालाइज करेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आप इंट्राडे पे या नेक्स्ट डे मार्केट पे बाय करके चल सकते हैं और आपका आउट परफॉर्म देंगे। गाइस, 25 जुलाई को यानी कि एक्सपायरी वाले दिन, जुलाई के एक्सपायरी वाले दिन मैंने आपको 5 काउंटर दिए थे, स्टॉक्स दिए थे, उस पर से हमारे 4 के 4 टारगेट हिट हुए, एक के हमारा टारगेट हिट नहीं हो पाया। हमारा पहला टारगेट हिट हो गया था उसका, पर हमारा और आखिरी वाला टारगेट हिट नहीं हो पाया। सो गाइस, उसी के साथ अब हम 5 स्टॉक्स और लेकर आए हैं आपके लिए, और गाइस इसी के साथ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी रेगुलरली देता हूँ अपने कॉल्स। आप मार्केट लाइव मार्केट के अंदर कोई भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप उस पर्टिकुलर चैनल पे जा सकते हैं, मैं लिंक आपको अभी दे दूंगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कौन से स्टॉक्स के बारे में। टॉरेंट पावर सेल करने की सलाह दी जाएगी। आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस आपको देख रहा होगा, करंट लेवल्स 300.5 है जिसपे इसने क्लोजिंग दी है। सेल आपको कब करना है, जब ये 299.3 के नीचे जाता है। 297 का फर्स्ट टारगेट, 293 का सेकंड टारगेट है टॉरेंट पावर के अंदर। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना होगा गाइस, 304 का करना होगा। कैनरा बैंक सेल करने की सलाह दी जाएगी। ये एक रिस्की ट्रेड बन सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन पे। सो गाइस, आपको ये ट्रेड मुश्किल से बहुत ईजिली लेना पड़ेगा। गाइस, मैं आपको इस पर एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। कैनरा बैंक के अंदर ये एक अपने अहम सपोर्ट लेवल पे है, जो इसका 340 का सपोर्ट लेवल है। हमने देखा उसके नीचे बंद हुआ है, पर कोई बात नहीं, ये 340 का एक है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर बाय चांस कल के ट्रेडिंग सेशन पे अगर ये 238 के नीचे जाता है, सस्टेन करता है, तो 235 233 तक के लेवल्स भी कैनरा बैंक दिखा सकता है। पर गाइस, अगर ये अपमूव देता है या अगर 242 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, तो वहाँ से हम 248 या 250 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैनरा बैंक के अंदर। हो सकता है कि हमारा शायद फर्स्ट टारगेट मीट करने के बाद ये रिवर्स कर जाए और अपमूव दे जाए। सो इस पर आपको केयरफुली ट्रेड करके काम करना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इस पर। हम देख रहे हैं कि 3092 इसका करंट लेवल है। सो मैं अगर आप इसे एक बाय करना चाहते हैं पोजिशनली 2-3 हफ्ते के पर्पज से, सो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पर 1340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और यहाँ से करंट टारगेट्स हम इंडसइंड बैंक के अंदर 1500 तक के भी अचीव कर सकते हैं एट द मैटर ऑफ टाइम, यानी कि 2 हफ्ते तक के अंदर। मुझे लगता है कि ये 1500 के आसपास तक के लेवल्स आराम से इंडसइंड बैंक दिखा देगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है क्लोजिंग बेसिस के अंदर 1340 का करना होगा। पर अगर आप इंट्राडे के लिए काम कर रहे हैं तो 1383 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 1396 के ऊपर बाय करिएगा, 1407 का फर्स्ट टारगेट, 1419 का सेकंड टारगेट। MGL बेस्ट काउंटर मुझे लग रहा है, अपने हम बात करके चल सकते हैं अगस्त सीरीज के अंदर, ये बेस्ट काउंटर है। बेस्ट काउंटर ये कब बनेगा, जब ये 791 या 792 के ऊपर क्लोज करता है। जैसे ये 792 के ऊपर क्लोज कर जाएगा गाइस, और 2 दिन इसके ऊपर बंद रहेगा, तो 850 से 860 तक के टारगेट्स भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगस्त सीरीज के अंदर MGL के अंदर। पर गाइस, 792 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी। इंट्राडे पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 779 786 के लेवल तक MGL कल जा सकता है। हो सकता है कि कल शायद MGL थोड़ा बहुत गिर जाए और फिर हम देखें कि हल्के हल्के रिकवर करके ये अपमूव दे, पर मुझे लगता है कि बेस्ट काउंटर बन सकता है, एक बेस्ट अगस्त सीरीज के अंदर ये पर्टिकुलर ट्रेड बन सकता है MGL। वेदांता हमने देखा लास्ट आर में इसमें बहुत अच्छी खासी बाइंग आई है। हम देख रहे थे इसने अपने का कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे जिसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया। सो गाइस, बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको। 171.5 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस आपको 168 का लगाना है, टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 174 177 तक के।
सो गाइस ये पांच काउंटर मैंने आपको दे दिए। गाइस अगर आपको मारुति, एचडीएफसी, रिलायंस, एलएनटी, टाइटन ये पांच स्टॉक्स के बारे में डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस जाननी है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, हर बेसिस में अगर आपको उसके पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है कि मैं शॉर्ट टर्म में उसमें क्या ट्रेड ले सकता हूँ, अगर मैं पोर्टफोलियो में अपना रखना चाहूँ तो मैं किस लेवल पे उसमें बाय पोजीशन इनिशिएट करूँ, कब जाके मैं उसे होल्ड करूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अपने ट्रेड टॉक की सीरीज़ पे शेयर कर चुका हूँ। गाइज मैंने एक ट्रेड टॉक की सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें मैं आपको हर 2 या 3 दिन बाद एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ जो आपके साथ चार्ट पे पूरा डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करा जाता है। आप जाके देख सकते हैं उस पूरी वीडियो को, आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे पर्टिकुलर स्टॉक पे। कल मैंने मारुति के बारे में डाला था और मारुति पे जिस तरीके से मैंने आपको आर्ली चार्ट में बताया था बिल्कुल सेम ट्रेड हुआ था आज, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मारुति दिया था और बहुत से लोगों ने उस पर ट्रेड लेके प्रॉफिट अर्न करा है। सो गाइस जाके ज़रूर देखिएगा उस पर्टिकुलर मेरे ट्रेड टॉक की सीरीज़ को, और आप investing.com पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने अगर आपको वीडियो से ज़्यादा अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैंने वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अपने ओपिनियन डाली हुई है investing.com के अंदर, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के सेक्शन पर जाएंगे वहाँ पर अगर आप स्टॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप शिवांश भसीन पर देख पाएंगे, मैंने अपने व्यूज़ डाल रखे हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हैं गाइस। तो के साथ इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको मेरे ये थॉट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक्स आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करिए मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए और आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में प्रॉफिट होता है या नहीं होता। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नहीं अगली वीडियो में।